से है कोयला आपूर्ति रोके जाने पर हार्डकोर उद्योग का अस्तित्व संकट में है। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन ने सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा है। पावर प्लांट में कोयले की उपलब्धता कम होने के लिए कोल इंडिया को ठहराया है जिम्मेदार। जांच के नाम पर प्रताड़ना से उबारने पर मुहर लगाई है। पावर प्लांटों में कोयला की कमी के कारण कोल इंडिया ने दूसरे सेक्टर को रोककर कोयले की आपूर्ति कोयले की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। तो झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन ने सरकार को त्राहिमाम और अरुण वर्मवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, कोयला आपूर्ति रोके जाने पर हार्ड कोक उद्योग का अस्तित्व अब संकट में है। देखिए, एक जोतना कह सकते हैं जो पहले ही कोयले का अभाव झेल रहा है, ये धनबाद कोलफील्ड का ये जो हार्ड कोक उद्योग है, वो इन दिनों जो केंद्र सरकार और कोल इंडिया का एक जो नया फरमान जारी हुआ है, जिसके कारण एकदम पूरे मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। कोल इंडिया ने जो पावर प्लांटों में जो कोयले की कमी का जो दिखाया गया है, जो कोयले के अभाव के कारण पावर जनरेशन में अभाव हो गया है, उसके कारण कोल इंडिया ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सभी सेक्टरों में कोयले की आपूर्ति बंद कर दिया जाए और सिर्फ रैक के माध्यम से सीधे पावर प्लांटों को कोयला भेजने का काम किया जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो कोयला उद्योग हैं, उनको कच्चा कोयला नहीं मिलेगा, उनका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो कैसे अपने प्लांट को सर्वाइव कर पाएंगे, इस बात को लेकर खासी चिंतित यहाँ के आज उद्यमियों ने अपनी चिंता जताई है और सरकार से गुहार लगाई है कि अगर जो चूंकि इन पावर प्लांटों को नन कुकिंग कोल की का जरूरत होता है, जबकि बीसीसीएल के पास, विशेषकर बीसीसीएल के पास कुकिंग कोल प्रचुर मात्रा में है, तो जो कि इन हार्ड कोक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होता है, लेकिन बीसीसीएल ने जो नए इस निर्देश के बाद तमाम तरह के कोयले दूसरे सेक्टर को आपूर्ति करना बंद कर दिया है, जिसके कारण इनके समझ बहुत क्राइसिस हो गई है और अगर यही हालात रहा तो कुछ दिनों बाद इनके उनको अपना प्लांट चलाना मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन ने सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा है। पावर प्लांट में कोयले की उपलब्धता कम होने के लिए कोल इंडिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच के नाम पर प्रताड़ना से उबारने पर भी गुहार लगाई गई है। पावर प्लांटों में कोयला की कमी के कारण कोल इंडिया ने दूसरे सेक्टर को रोक दी है कोयले की आपूर्ति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।